वीडियो की शुरुआत में हम स्कूल का सीन देखते हैं। स्कूल के गार्डन में एक लड़का एक लड़की एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं। वो लड़की उस लड़के को कुछ कह रही होती है पर हमें बताया नहीं जाता। फिर वहाँ से सीन कट होता है और हम सीन दिखाया था अगले दिन का। दो लड़की आपस में बात करते हुए चल रहे थी। उसमें से एक लड़की कहती है, सुमेरे कल तुम ईश्वर को बताने वाली थी ना कि तुम उसे कितना पसंद करती हो। फिर सुमेरे कहती है कि नहीं मैं बता नहीं पाई, वैसे हुआ यूं कि मैं। अब हमें उसी गार्डन का अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जिसमें सुमेरे कह रही होती है मिसो से कि उसे कितना पसंद करती है। इनडायरेक्टली सुमेरे मिसो को प्रपोज कर देती है पर मिसो ये सुन के पूरी तरह से चौंक जाता है और एकदम खड़ा सही रहता है। सुमेरे को लगता है कि मिसो को ये बात अच्छी नहीं लगी, इसके लिए सुमेरे मिसो से मजाक में कह देती कि मैं तुमसे मजाक कर रही थी और मैं प्रैक्टिस कर रही थी सिर्फ किसी को प्रपोज करने की। मिसो को यह सुन के अजीब लगता है और मिसो सुमेरे को कहता है तुम पूरी पागल लड़की हो। फिर वहां से मिसो चला जाता है और मिसो सुमेरे साथ में चले जाते। फिर अब हमें प्रेजेंट टाइमलाइन का सीन दिखाया जाता है जिसमें वो लड़की कह रही होती है तुम पूरी पागल हो, मिसो तो तुम्हारा बचपन का दोस्त है फिर भी तुम उसे कह नहीं पाते कि तुम उसे कितना पसंद करते। फिर सुमेरे कहती है हाँ मैं उसे नहीं कह पाती, जब भी वो मेरे सामने आता है तो मेरी आवाज़ ही बंद हो जाती है, वैसे तो मैं सबके सामने कुछ ना कुछ कह देती हूँ पर उसके सामने मैं कुछ नहीं कह पाती। फिर लड़की के सेम मेरा हाल भी उसे कीम के साथ ही होता है। फिर वहाँ से वो दोनों बात करते करते अपने स्कूल चले जाते हैं। फिर हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जिसमें मिसो अपने क्लास में बैठा होता है और सुमेरे भी वहाँ पे आती है और सुमेरे मिसो को हाई कहती है। फिर हमें एक लड़के का सीन दिखाया जाता है जो चुपके से सुमेरे को दोस्त को देख रहा होता है और वो कहता है कि काश मैं तुम्हें नोरा बता पाता कि मैं तुम्हें कितना पसंद करता हूँ, काश लेकिन मेरे अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं है। और फिर उस लड़के के कंधे पे कोई हाथ रखता है, वो लड़का डर जाता है और बहुत जोर से चिल्लाता है और वहाँ पे और कोई नहीं मिसो होता है। मिसो उस लड़के को कहता है कि तू इतना डर क्यों गया किम। किम कहता है कुछ नहीं तूने मेरी बात तो नहीं सुनी, मिसो से कहता है। तो मिसो कहता है नहीं मैंने कुछ भी नहीं सुना, बात इंपॉर्टेंट है क्या। किम कहता है नहीं कुछ इंपॉर्टेंट नहीं थी, तू चल यहाँ से। फिर उन लोग ना लेक्चर अटेंड करने लग जाते हैं। मिसो सुमेरे के बारे में सोच रहा होता है कि सुमेरे ने कल क्या कहा था। फिर वहाँ से सीन कट होता है, हमें लंच का सीन दिखाया है जिसमें सुमेरे और उसकी दोस्त बैठ के बात कर रहे होते हैं। गाइस इसमें चार मेन कैरेक्टर है जिसमें दो का नाम आप जानते होंगे मिसो सुमेरे पर एक का नाम किम है और एक का नाम नोरा है, गलत प्रोनाउंसिएशन मत करना। अब हम अपने वीडियो पे चलते हैं जिसमें सुमेरे और नोरा बैठ के लंच कर रहे होते हैं जिसमें सुमेरे नोरा को कहती है कि तुम्हारा और किम का कैसे चल रहा है। तो नोरा कहती है किम उससे बातें नहीं करता, वो जैसे ही मेरे सामने आता है उसकी बोलती बंद हो जाती है। फिर सुमेरे कहती है सेम मेरा हाल है मिसो के सामने। फिर वो लोग देखते हैं कि मिसो और जो किम होता है ना वो फुटबॉल खेल रहे होते हैं। किम जो है ना नोरा के बारे में सोच रहा होता है जिसकी वजह से किम का ध्यान नहीं होता खेल पे और वहाँ पे किम को फुटबॉल आके लग जाती है जिसकी वजह से किम के नाक से खून बहने लगता है। किम अपने मन में ही कहता है कि ज़्यादा नोरा के बारे में सोच रहा था, खेल पे ध्यान देना चाहिए था, बहुत दर्द हो रहा है। मिसो तो भाई अलग ही मजे में रहता है, मिसो किम को कानपट मार रहा होता है, उसे लग रहा था कि किम बेहोश हो गया है। फिर वहाँ पे सुमेरे और नोरा आती है, सुमेरे कहते हैं मिसो तुम क्या करे। तो मिसो कहता है ये बेहोश हो गया, मिसो होश में लाने की कोशिश कर लो। सुमेरे कहती है पागल हो इसमें पहले से ही, तू उसे मार रहा है उल्टा। फिर मिसो कहता है ऐसा क्या। फिर नोरा जो है ना किम को लेके चली जाती है फर्स्ट एड करने के लिए। फिर मिसो भी उसके पीछे जा रहा होता है, सुमेरे उसे पकड़ लेती है और कहती है तुम कहाँ जा रहे हो। तो मिसो कहता है मेरे दोस्त को चोट लगी है, मैं उसकी मदद करने जा रहा हूँ। सुमेरे कहती है तुम तो रहने दो, तुम मत जाओ, नोरा उसे संभाल लेगी और तुम चुपचाप यहाँ पे बैठो। फिर मिसो जो है वहाँ पे बैठ जाता है और सुमेरे भी साइड में बैठ जाती है। मिसो कहता है कल जो तुमने सुमेरे मुझसे कहा था कि तुम प्रैक्टिस कर रही हो, क्या तुमने सच कहा था। तो सुमेरे कहती है हाँ मैंने सच कहा था, मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ किसी को आई लव यू बोलने की। मिसो कहता है ठीक है। फिर सुमेरे कहती है क्या मैं तुम्हारे साथ प्रैक्टिस कर सकती हूँ। मिसो कहता है क्या। सुमेरे कहती है मतलब मैं तुम्हें आई लव यू बोलूँ बस मजाक में, तो तुम इसे सीरियसली नहीं लोगे। तो मिसो कहता है हाँ मैं नहीं लूंगा, पर मिसो पूछता कि वो कौन है जिसे तुम बोलना चाहती हो। सुमेरे कहती है ये तो एक सीक्रेट है। फिर मिसो कहता है ठीक है और मिसो वहाँ से जाने लगता है और मिसो को लगता है कि सुमेरे उसे पसंद नहीं करती, इसके लिए मिसो को बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा होता है। फिर मिसो वहाँ से चला जाता है क्लास में अपने। फिर सुमेरे पीछे से कहती है क्लास में मिसो मैं तुम्हें बता पाती कि मैं तुम्हें कितना पसंद करती हूँ, पर मैं तुम्हें बता ही नहीं पाती। फिर वहाँ से कैमरा कट होता है, हमें किम और नोरा का सीन दिखाया जाता है जिसमें नोरा जो है ना किम की बैंडेज कर रही होती है। किम कहता है कि तुम मेरी बैंडेज क्यों कर रही हो, नोरा कहती है बस मेरा मन कर रहा है। फिर हमें छुट्टी का सीन दिखाया जाता है जिसमें नोरा और सुमेरे साथ में जा रहे होते हैं घर पे और मिसो और किम जा रहे होते हैं, वो लोग आपस में कुछ बात कर रहे होते हैं। फिर वहाँ से कैमरा कट होता है, हमें रात का सीन दिखाया जाता है जिसमें लगभग 9 बज रहे होते हैं। फिर वहाँ पे अपने मिसो अपने घर में आता है और उसकी बहन कहती है कि तुम इतना लेट क्यों आए। तो मिसो कहता है मुझे कुछ काम था इसके लिए मैं लेट आया। मिसो देखता है कि उसके कमरे में उसकी बहन और सुमेरे बैठ के गेम खेल रही होती है। मिसो सुमेरे को बोलता है कि तुम यहाँ क्या करो इतनी रात को। तो सुमेरे कहती है क्या मैं यहाँ पे नहीं आ सकती। मिसो कहता है तुम आ सकती हो पर इतनी रात को, वो भी एक लड़के के कमरे में। सुमेरे कहती है क्या कहने का मतलब है तुम्हारा। मिसो कहता है कुछ नहीं। सुमेरे कहती है मैंने सोचा कि कल हमारा टेस्ट है इसके लिए साथ में हम दोनों पढ़ाई कर लेंगे। फिर मिसो कहता है ठीक है। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जिसमें मिसो सुमेरे बैठ के पढ़ाई कर रहे होते हैं। दोनों थोड़ी देर पढ़ाई करते हैं तो सुमेरे को एक प्रॉब्लम होती है क्वेश्चन में। तो वहाँ पे मिसो जो है सुमेरे से पूछता क्या हुआ। तो सुमेरे बताते कि मुझे इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है। तो मिसो जो है ना सुमेरे को बता रहा होता है क्वेश्चन का आंसर, बस मिसो जो है ना सुमेरे को बताते वक्त बहुत ज़्यादा क्लोज होता है जिसकी वजह से सुमेरे की हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही थी। फिर सुमेरे जो है ना मिसो को आई लव यू कह देती थी। मिसो कहता है क्या कह रही हो तुम। तो सुमेरे कहती है मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ। तो मिसो कहता है हाँ ठीक है। फिर वहाँ से सीन कट होता है, हमें कल का सीन दिखाया जिसमें किम जो है ना दरवाजे के सामने खड़ा होता है क्लास के और दरवाजा क्लास का बंद होता है। फिर वहाँ से दरवाजा खुलता है तो उसके सामने आती है नोरेन।
किम नोरेन को देख के पूरी तरह से शॉक हो जाता है और किम नोरेन को शॉक में गुड मॉर्निंग कह देता है। नोरेन भी गुड मॉर्निंग कहती है। फिर किम देखता है कि नोरेन के बाल जो है साइड से खराब है, तो किम बताता है नोरेन को उसके बाल साइड से खराब है। फिर नोरेन देखते कि उसके बाल साइड से खराब है, नोरेन उसको छुपा लेती है और किम को कहती है कि किसी को नहीं बताने का। और नोरेन उस टाइम बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रही थी, तो नोरेन वहाँ से चली जाती है और किम जो दरवाजे के नीचे बैठ जाता है और कहता है कोई इतनी क्यूट कैसे लग सकती है यार। फिर क्लास में एक लड़के की एंट्री होती है। किम उसे देख के बहुत ज़्यादा खुश होता है क्योंकि किम का बहुत पुराना दोस्त होता है। किम उसके पास जाता है और कहता है तू कहाँ चला गया था और नया हेयर स्टाइल तू अच्छा ही दिख रहा है, पहले लड़की जैसा दिखता था। फिर वो कहता है हाँ मैंने हेयर स्टाइल चेंज करवाया, मैं बाहर गया था। उस लड़के का नाम सेंजो होता है। और थोड़ी देर बाद क्लास में सब लोग आ जाते हैं और लेक्चर अटेंड करने लगते हैं। लेक्चर सब लोग ले रहे होते हैं लेकिन सेंजो ना खाली सुमेरे को ही देख रहा होता है। किम ये देखता है तो किम को समझ में आता है सेंजो सुमेरे को पसंद करता है। किम सेंजो को बोलता है कि तू सुमेरे को पसंद करता है। सेंजो कहता है हाँ पर मुझे डर लगता है उसे कहने में। फिर किम समझ जाता है कि ये लव ट्रायंगल हो चुका है। मिसो भी सुमेरे को पसंद करता है, सुमेरे भी मिसो को पसंद करती है, उसे कहीं ना कहीं विश्वास है और किम भी सुमेरे को पसंद करता है। फिर किम कहता है बहुत बड़ा लफड़ा होने वाला है। फिर हमें सीन स्कूल की छुट्टी का दिखाया जाता है जिसमें सुमेरे जो है ना सेंजो को देखती है और सुमेरे सेंजो के पास जाती है और कहती है तुम अच्छे लग रहे हो जो नए हेयर स्टाइल में। सेंजो सुमेरे को हाई कहता है। फिर बाद में सुमेरे से कहता है कि सुमेरे तुमने नई सॉन्ग की वॉल्यूम सुनी क्या? तो सुमेरे कहती है हाँ मैंने सुनी। और सुमेरे जो और सेंजो होते हैं दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं नए सॉन्ग के बारे में। मिसो सुमेरे को देख के ऐसे उसके साथ बात करते हैं तो मिसो को लगता है सुमेरे सेंजो को पसंद करती है और मिसो वहाँ से चला जाता है। सुमेरे मिसो को ऐसे जाते हुए देख के सुमेरे अपना बैग उठाती है और सेंजो को बाय कहती है और मिसो के साथ चली जाती है। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जिसमें सुमेरे को मिसो जो है ना खाली आई लव यू बोल के परेशान कर रही होती है। मिसो कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो? तो सुमेरे कहती है मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, मैं किसी को बोलना है मुझे। तो मिसो कहता है तुम मुझे मत बोलो। सुमेरे कहती है तुमने कहा था कि तुम मेरी मदद करोगे प्रैक्टिस करने में। मिसो कहता है मैं फंस गया तुम्हारी वजह से। फिर हमें कल का सीन दिखाया जाता है जिसमें सुमेरे जो है ना नोरेन के साथ बैठ के बातें कर रही होती है और नोरेन उसे कह रही थी कि तुम मिसो को कब बताओगे? तो सुमेरे कहती है अभी मैं प्रिपेयर नहीं हुई, मुझे अभी भी डर लगता है मिसो को कहने में। नोरेन कहती तुम इतनी प्रैक्टिस करती हो उसके सामने बोलती फिर तब तुम्हें डर नहीं लगता लेकिन अब डर लग रहा है। सुमेरे कहते हैं तभी भी मुझे डर लगता है उसे कहने में। फिर सुमेरे कहते हैं कि तुम्हारा और किम का कैसे चल रहा है नोरेन? तो मुझे लगा किम को तुमने बता दिया होगा तुम उसे पसंद करती हो। फिर किम कहती है नहीं मैं बता नहीं पा रही हूँ, मैं अभी भी डरती हूँ उसे कहने में। फिर हमें दिखाया जाता है सेंजो है ना सुमेरे को दूर से देख रहा होता है। वो डिसाइड करता है कि सुमेरे के पास जाएगा उससे बातें करेगा। सेंजो है ना सुमेरे के पास जाता है और उसे हाई कहता है। सुमेरे भी उसे हाई कहती है और सेंजो कहता है सुमेरे को कि सुमेरे मेरे पास जो कॉन्सर्ट होने वाला है ना उसके दो टिकट है। सुमेरे कहती है क्या सच में तुम्हारे पास दो टिकट है? फिर सेंजो है ना सुमेरे को टिकट दिखाता है और कहता है कि यार तुम चलोगी मेरे साथ कॉन्सर्ट देखने के लिए? सुमेरे कहती है हाँ मैं जरूर चलूंगी, वो तो मेरा फेवरेट स्टार है। सेंजो सुमेरे को टिकट दे देता है और वहाँ से चला जाता है और सेंजो बहुत खुश होता है। फिर बाद में सुमेरे भी बहुत खुश होती है क्योंकि वो अपने फेवरेट स्टार से मिलेगी कॉन्सर्ट में। सुमेरे जाकर नोरेन के पास बैठती है और नोरेन कहती है सुमेरे को सुमेरे ये ठीक रहेगा तुम मिसो को पसंद करती हो और उसके साथ जा रही हो तुम कॉन्सर्ट देखने के लिए? सुमेरे कहती है क्यों क्या प्रॉब्लम है? तो वो कहती है कि ये डेटिंग जैसा हो गया। सुमेरे कहती है नहीं कुछ डेटिंग नहीं होगा और मैं उसे पसंद नहीं करती। मिसो ये सब दूर से देख रहा होता है और मिसो को देख के बहुत बुरा लगता है कि सुमेरे उसके साथ कॉन्सर्ट में जा रही है और मिसो वहाँ से चला जाता है। फिर किम जो है ना मिसो को देख रहा होता है, किम बोलता है कि मुझे मिसो से बात करनी होगी और किम जो है ना मिसो के पीछे चला जाता है। फिर वहाँ से सीन कट होता है, हमें रात का सीन दिखाया जाता है जिसमें सुमेरे सेलेक्ट कर रही होती है कपड़े कॉन्सर्ट में जाने के लिए। वहाँ पे सुमेरे का भाई आता है और कहता है कि सुमेरे तुम्हें नहीं जाना मिसो के घर पे, वैसे तो तुम रोज आती हो मिसो के घर पे पढ़ने के लिए। सुमेरे कहती है नहीं मैं आज बहुत बिजी हूँ और मुझे कपड़े सेलेक्ट करने, इसके लिए मैं आज मिसो के घर पे नहीं जाऊंगी। फिर हमें मिसो का सीन दिखाया जाता है जिसमें मिसो और किम जो है ना आपस में बैठ के बातें कर रहे होते। मिसो किम को सारी बातें बताता है कि सुमेरे उसके साथ कैसे प्रैक्टिस कर रही है लव कॉन्फ्रेंस करने की। किम मिसो को कहता है कि तुझे बता देना चाहिए सुमेरे को कि तू उसे पसंद करता है। फिर मिसो कहता है कि मैं सुमेरे को पसंद नहीं करता। किम कहता है किससे झूठ बोल रहा है, मैं तुझे देख रहा हूँ कि तू सुमेरे को पसंद करता है, देख भाई बता दे नहीं तो बाद में लेट भी हो सकता है, नहीं तो बहुत देर हो सकती है, फिर उसके बाद पछताने से कुछ फ़ायदा नहीं मिलने वाला, जाके उसे बता दे। फिर मिसो अपने घर पर चला जाता है। फिर वहाँ से सीन कट होता है, हमें कल का सीन दिखाया जाता है जिसमें मिस सुमेरे जो है ना कॉन्सर्ट में जा रही होती है। फिर मिसो सुमेरे के घर पर आता है और कहता है कि मैं तुम्हारा गेम तुम्हें वापस करने आओ। सुमेरे कहती है इसकी कोई जरूरत नहीं थी, तुम दो तीन दिन और खेल सकते थे इस गेम। तो मिसो कहता है नहीं मुझे वापस करना था। फिर मिसो सुमेरे को देखता है तो सुमेरे ने बहुत अलग कपड़े पहने हुए थे रोज जैसे पहनती है उससे। मिसो सुमेरे को कहता है कि तुम यही कपड़े पहन के जाने वाले, तुम रोज के जैसे कपड़े नहीं पहनोगे। सुमेरे कहती क्यों इस कपड़े में कोई प्रॉब्लम है? तो मिसो कहता है नहीं फिर भी। तो सुमेरे कहती है मेरी मर्जी, तुम होते कौन मेरी लाइफ में बोलने वाले? फिर सुमेरे अपने मुंह पे हाथ रख लेती है। सुमेरे को इस बात से बहुत बुरा लगता है कि मिसो को उसने ये बात कह दी और मिसो के आंख में भी आंसू होते हैं। फिर मिसो कहता है कि हाँ मैं कौन होता हूँ तुम्हारी लाइफ में बोलने वाले। मिसो फिर वहाँ से चला जाता है और फिर बाद में सुमेरे कहती है मैं कॉन्सर्ट इंजॉय करके रहूंगी। फिर वहाँ से सीन कट होता है, हमें कॉन्सर्ट का सीन दिखाया जाता है जिसमें गाने को सब लोग इंजॉय कर रहे होते हैं और सुमेरे भी इंजॉय कर रही होती है। गाना थोड़ा इमोशनल होने के कारण सुमेरे के आंख में आंसू आ जाते हैं क्योंकि सुमेरे को वो बात याद आती है जो उसने मिसो को कहा था। और ये सब सेंजो देख लेता है और सेंजो सोचता है कि सुमेरे क्यों रो रही है और सेंजो जो है ना सुमेरे को बोलते तुम क्यों रो रही हो? सुमेरे कहते कुछ नहीं। फिर हमें कॉन्सर्ट खत्म होने के बाद का सीन दिखाया जाता है जिसमें सेंसो कह रहा होता है सुमेरे को कि मैं तुम्हें घर पे छोड़ देता हूँ। सुमेरे कहती नहीं। फिर भी सेंसो सुमेरे को घर पे छोड़ने के लिए चला जाता है और सुमेरे सेंसो पूरे रास्ते पर बातें करते जा रहे होते हैं। सुमेरे का घर आ जाता है, सेंसो सुमेरे को कहता है यही तुम्हारा घर है? सुमेरे कहती हाँ। सुमेरे
मेरे मिसो के घर की तरफ देखती है तो मिसो का घर जो है ना लॉक होता है, तो सुमेर को लगता है मिसो आज भी नाराज है सुमेरे से। फिर सेंसो अचानक से सुमेरे का हाथ पकड़ लेता है और उसे गले लगा लेता है और कहता है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ सुमेरे, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा, क्या तुम मेरी लाइफ पार्टनर बनना पसंद करोगी। फिर पीछे से आवाज आती है मेरा क्या। फिर सेंसो जो है सुमेरे को छोड़ता है तो देखता है वहाँ पे मिसो है, तो मिसो कहता है सेंसो को कि तुम्हें थोड़ा सा भी ख्याल है सुमेरे का, अगर किसी ने देख लिया होता तुम्हें सुमेरे को ऐसे गले लगाते, सुमेरे के बारे में लोग क्या सोचते, उसकी पूरी इज्जत चली जाती। ऐसे ही मिसो और सेंसो में बहुत बहस होने लगती है और लड़ाई तक पहुंच जाती है मामला, तो सुमेरे रोने लगती है। तो मिसो जो है सुमेरे का हाथ पकड़ता है, उसे घर पे ले जा रहा होता है। सेंसो पीछे से सुमेरे का हाथ पकड़ लेता है, सुमेरे बोलती है मेरा हाथ छोड़ो। फिर सेंसो जो है सुमेरे का हाथ छोड़ता है और मिसो सुमेरे अपने अपने घर पे चले जाते। फिर हमें डायरेक्ट कल का सीन दिखाया जाता है जिसमें सुमेरे अपने आप को देख रही होती है और सुमेरे कह रही होती है मेरे आंख सूज गए, इतना नहीं रोना चाहिए था। फिर सुमेरे डिसाइड कर लेती है कि आज मिसो को प्रपोज करके रहेगी और मिसो को बता देगी कि उसे कितना पसंद करती है। फिर सुमेरे मेकअप करना शुरू कर देती है और गाइस उसमें सुमेरे बहुत ही ज्यादा बकवास लग रही होती है। सुमेरे के घर के बाहर उसके दोस्त उसका इंतजार कर रहे होते हैं। जैसे सुमेरे घर के बाहर आती है और उसके दोस्त देख के उसे चौंक जाते हैं और उससे पूछते हैं तुमने ये क्या किया अपने चेहरे पे। सुमेरे कहती है मेकअप, मैं मिसो को आज प्रपोज करने वाली। फिर उन लोग ना सुमेरे को पकड़ के लेके जाते हैं और अंदर बोलते हैं ये पहले मेकअप हटाओ। फिर सुमेरे का सब लोग मेकअप हटाते हैं। फिर हमें डायरेक्ट स्कूल का सीन दिखाया जाता है जिसमें सुमेरे ना मिसो को ही देख रही होती है और सुमेरे को लग रहा था कि मिसो अभी भी नाराज है उससे। फिर हमें लंच का सीन दिखाया जाता है जिसमें किम जो है ना लोरेन को कहता है कि उसे आर्ट रूम में मिलने के लिए। फिर लोरेन सोचती है कि किम को क्या कहना है उसे आर्ट रूम में मिलने के लिए। फिर सुमेरे वहाँ पे आती है, लोरेन से पूछती है कि मिसो को तुमने कहीं देखा क्या था। लोरेन कहती है नहीं मैंने मिसो को नहीं देखा। लोरेन सुमेरे को सारी बातें बताते कि उसे किम ने क्या कहा। फिर सुमेरे लोरेन को कहती है लगता है किम तुम्हें प्रपोज करने वाला है। लोरेन शर्मा जाती है और वहाँ से भाग जाती है। सुमेरे मिसो को ढूंढने लगते पर मिसो सुमेरे को कहीं भी नहीं मिलता। फिर हमें डायरेक्ट छुट्टी का सीन दिखाया जाता है जिसमें मिसो अपना बैग पैक कर रहा होता है। सुमेरे मिसो के पास जाती है, सबसे पहले उसे माफी मांगती है, मिसो भी उसे माफ कर देता है। फिर सुमेरे जो है मिसो को डायरेक्ट आई लव यू कह देती है। तो मिसो कहता है ओ तो तुम फिर से प्रैक्टिस करो और इस बार तुमने बहुत अच्छी तरह से कहा। फिर सुमेरे मन ही मन कहते हैं कि मैंने तो अभी इस बार पूरे दिल से कहा था, फिर भी मिसो को समझ नहीं आया। फिर वहाँ से सीन कट होता है, हमें लोरेन और किम का सीन दिखाया जाता है जो एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं। किम जो है लोरेन को कहता है कि उसे बहुत पसंद करता है और उसे लाइफ पार्टनर बनाना चाहता है और उसे अच्छा लगे कि लोरेन उसके लिए रोज लंच बनाएगी। फिर लोरेन कहती है रोज लंच बनाना थोड़ा मुश्किल होगा। फिर किम कहता है कि इसका मतलब तुम भी मुझे पसंद करते हो। फिर लोरेन भी हाँ कहती है और वो दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते। फिर वहाँ से सीन कट होता है, हमें मिसो सुमेरे का सीन दिखाया जाता है। सुमेरे भाग के जाती है और मिसो का हाथ पकड़ती है और उसे कहती है ये कोई प्रैक्टिस नहीं थी मिसो, मैं तुम्हें सच में पसंद करती हूँ और वो तुम ही हो जिसे मैं आई लव यू कहना चाहती थी पर मैं कह नहीं पाती थी। फिर मिसो जो सुमेरे को गले लगा लेता है और कहता है कि मैं भी तुमसे यही कहना चाहता था और मैं तुम्हें बचपन से ही पसंद करता। सब लोग एक दूसरे को प्रपोज कर देते और यहीं पे कहानी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर कमेंट करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी भूलना मत। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।